नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं कुंदन शर्मा आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं अपने चैनल YMW सॉल्यूशन में। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप फूड ट्रक का बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैंने आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल जानकारी दिया है, तो आप लोग इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। और फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर नए हैं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें, ताकि फ्रेंड्स आपको भाई वाली एडवाइस यहाँ पर हमेशा मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना लेट के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर आप फूड ट्रक का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे जो है आपको 8 पॉइंट जो है आपको फॉलो करने पड़ेंगे। फ्रेंड्स, फूड ट्रक बिजनेस में जो है सबसे पहला जो पॉइंट रहता है कि आप क्या चीज़ जो है अपने फूड ट्रक बिजनेस से सेल करना चाहते हैं, यानी कि आप किस प्रकार का मेनू जो है आप लोगों को सर्व करना चाहते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद जो है आप अपने मेनू के हिसाब से जो है आपको राइट प्लेस आपको चूज़ करना पड़ेगा। यानी कि अगर आप इटालियन मेनू रखना चाहते हैं या इंडियन मेनू रखना चाहते हैं या कंटिनेंटल आप मेनू रखना चाहते हैं, तो उसके हिसाब से जो है आपको राइट प्लेस आपको चूज़ करना पड़ेगा। अगर आप इडली, सांभर, डोसा, अगर ये सारे मेनू रखते हैं तो ये सारे मेनू जो है आपका किस प्लेस पे सबसे ज़्यादा जो है आपका ये मेनू चलेगा, उसके हिसाब से जो है आपको राइट प्लेस आपको चूज़ करना पड़ेगा। अगर आप चाउमीन, एग रोल या समोसा, ये सारे चीज़ का अगर आप मेनू सर्व करना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स आपको समझना पड़ेगा कि मेरे ये सारे मेनू जो है किस प्लेस पे जो है सबसे ज़्यादा जो है सेल होंगे। तो आपको अपने मेनू के हिसाब से जो है आपको अपने फूड ट्रक बिजनेस के लिए राइट प्लेस आपको चूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट आता है कि आपको कमर्शियल व्हीकल कौन सा लेना है, ये आपके मेनू और आपके किचन के साइज पे डिपेंड करता है। अगर आपको अपना मेनू पता है तो उसके हिसाब से जो है आप अपना किचन का जो है आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको जो है एक दिखा देता हूँ कि आप अगर फूड ट्रक का बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपका व्हीकल में जो है आपको किस प्रकार से फैब्रिकेशन करना पड़ेगा। फ्रेंड्स, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ये टाटा एस व्हीकल में जो है फूड ट्रक बिजनेस के लिए जो है ये फैब्रिकेशन किया गया है। यहाँ पे देख रहे हैं पूरा किचन को जो है अच्छी तरह से बनाया गया है, क्या क्या मेनू यहाँ पे सर्व किया जाएगा, ये मेनू का यहाँ पूरा पिक्चर जो है यहाँ पे दिया गया है। फ्रेंड्स, यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो फूड ट्रक बिजनेस है ये फोर्स मोटर के व्हीकल में जो है पूरा फैब्रिकेशन किया गया है। यहाँ बहुत सारे आइटम के जो है यहाँ पे मेनू डिस्प्ले किए गए हैं कि ये सारे आइटम जो है इस फूड ट्रक बिजनेस से जो है आपको सर्व किए जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार का जो है आप भी अपना फूड ट्रक को जो है फैब्रिकेशन करके आप डिजाइन कर सकते हैं। याद रहे कि आप अपने फूड ट्रक को आप अपने मेनू के हिसाब से ही जो है आप फैब्रिकेशन करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है आपको अपने मेनू के हिसाब से यहाँ पे जो है आपको कमर्शियल व्हीकल आपको चूज करना पड़ता है, और उसी के हिसाब से जो है आपको उस कमर्शियल व्हीकल में आपको फैब्रिकेशन करके किचन का डिजाइन करना पड़ता है। उसके बाद जो चौथा पॉइंट है, आपको फूड ट्रक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको कौन कौन से परमिशन और लाइसेंस लेने पड़ेंगे, ये चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है। अगर आप फूड ट्रक का बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं तो यहाँ पे आपको बहुत सारे लाइसेंस और परमिशन की रिक्वायरमेंट रहेगी, ये वीडियो के आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे। उसके बाद जो फिफ्थ पॉइंट है, आप अपने फूड ट्रक बिजनेस से किस प्रकार का मेनू सर्व कर रहे हैं, उसी के अनुसार जो है आपको वहाँ पे किचन का इक्विपमेंट और रॉ मटेरियल जो है आपको खरीदने पड़ेंगे। देन उसके बाद जो सिक्स पॉइंट आता है, आपको स्टाफ हायरिंग, ट्रेनिंग और यूनिफॉर्म। फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर आप फूड ट्रक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको स्टाफ चाहिए, जैसे कि सेफ हुआ, वर्कर हुआ, डिलीवरी बॉय भी हुआ। जैसे कि अगर आप अपने फूड ट्रक बिजनेस से अगर आप होम डिलीवरी का भी सर्विस आप देना चाहते हैं तो उसका भी जो है आप सुविधा आप अपने फूड ट्रक बिजनेस में रख सकते हैं। तो उसके लिए जो है आपको एक्स्ट्रा डिलीवरी बॉय आपको रखने पड़ेंगे। और जितने भी स्टाफ आप हायरिंग करेंगे, आपको सारे स्टाफ को प्रॉपर ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा, और सारे स्टाफ को जो है आपको यूनिफॉर्म भी देना पड़ेगा। यहाँ पे अगर आप अपने स्टाफ को यूनिफॉर्म देते हैं तो थोड़ा एक ब्रांड वाली फीलिंग आती है। तो इस बात का आप खास ध्यान रखें कि अगर आप फूड ट्रक बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं तो आप अपने स्टाफ को प्रॉपर ट्रेनिंग और यूनिफॉर्म जरूर प्रोवाइड करें। उसके बाद जो सेवन पॉइंट आता है वो है पेमेंट गेटवे। फ्रेंड्स, मोस्टली क्या देखा गया कि जितने भी फूड ट्रक बिजनेस है वहां पे ज्यादातर कैश लिया जाता है, तो आपको ज्यादा से ज्यादा कोशिश करना है कि आपको अपने फूड ट्रक में जो है डिजिटल पेमेंट का भी जो है सुविधा वहां पे उपलब्ध किया जाए। बहुत सारे UPI और QR कोड पेमेंट है, जैसे कि फोन पे हुआ, पेटीएम हुआ, गूगल पे हुआ, अमेजन पे हुआ, एयरटेल पे हुआ, तो ये सारे डिजिटल पेमेंट का जो है आपको सुविधा जो है अपने फूड ट्रक बिजनेस में आपको रखने पड़ेंगे। क्योंकि मोस्टली आज के समय में क्या है कि लोग चाहते हैं कि मैं वैसे जगह पे खाना खाऊं जहां पे मैं डिजिटली पेमेंट करूं और मेरा जो है बिल पेमेंट हो जाए। आजकल मोस्टली लोग जो है कैश कैरी नहीं करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये भी चीज जो है आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है। देन उसका जो लास्ट पॉइंट है वो है मार्केटिंग। फ्रेंड्स, अगर आप फूड ट्रक बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो ये चीज आपको ध्यान रखने वाली बात है कि आप अपने फूड ट्रक को जो है कैसे प्रमोट करेंगे, यानी कि आप अपना एडवर्टाइजिंग और ब्रांडिंग कैसे करेंगे, ये चीज का जो है आपको ध्यान रखने वाली बात है। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग जो है पूरा विस्तार से देखेंगे कि अगर आप फूड ट्रक का बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपको कौन कौन से लाइसेंस और परमिशन की रिक्वायरमेंट रहेगी, आपको टोटल इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ेगा, आप मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज देखेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे हैं। फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको अपने मेनू के हिसाब से जो है आपको लोकेशन चूज करना पड़ेगा, तो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप राइट लोकेशन जो है अपने फूड ट्रक के लिए कैसे आप चूज कर सकते हैं।
पहला जो पॉइंट है, आप अपने फूड ट्रक से जो भी मेन्यू सर्व करने जा रहे हैं लोगों को, तो सिमिलर मेन्यू सर्व करने वाला कोई भी वेंडर जो है उस जगह पे ना हो। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है, आप अपने फूड ट्रक का बिजनेस जो है वैसे जगह पे स्टार्ट करें जहाँ पे जो है रेगुलर फ्लो ऑफ ट्रैफिक हो या लार्ज फुटफॉल एरिया हो। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट है, आप जिस एरिया पे आप फूड ट्रक का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, आपके फूड ट्रक के सराउंडिंग एरिया में जो है प्रोफेशनल लोग होने चाहिए, स्कूल कॉलेजेस होने चाहिए, उसके बहुत सारे कॉर्पोरेट हाउस होने चाहिए। अगर ये सारे लोग वहाँ पे अगर रहेंगे तो आपका जो फूड ट्रक का बिजनेस है काफ़ी ज़्यादा अच्छा चलने वाला है। तो फ्रेंड्स, ये जो तीन पॉइंट है आपको काफ़ी ज़्यादा मदद करेगी आपको राइट लोकेशन चूज करने के लिए अपने फूड ट्रक बिजनेस के लिए। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि आप कमर्शियल व्हीकल जो है आप कैसे चूज करेंगे, यानी कि आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि आपको किस व्हीकल में जो है आपको फैब्रिकेट करके किचन आपको सेटअप करना है। फ्रेंड्स, यहां पे जो है आपको ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहां पे पहले आपको मेनू डिसाइड करना है कि आप किस प्रकार का मेनू आप जो है अपने फूड ट्रक से सर्व करने वाले हैं, जैसे कि आप इटालियन फूड सर्व करने वाले हैं या कंटिनेंटल फूड सर्व करने वाले हैं, तो उसी के अनुसार जो है यहाँ पे जो है आपको व्हीकल जो है परचेस करना पड़ेगा। तो व्हीकल यहाँ पे जो है आप किसी भी कंपनी का परचेस कर सकते हैं, जैसे कि आप टाटा कंपनी का परचेस कर सकते हैं, महिंद्रा का परचेस कर सकते हैं, अशोक लीलैंड का परचेस कर सकते हैं, उसके बाद जो है मारुति सुजुकी का भी आप परचेस कर सकते हैं। ये डिपेंड आप पे करता है कि आप यहाँ पे नया व्हीकल परचेस करना चाहते हैं या सेकेंड हैंड व्हीकल आप परचेस करना चाहते हैं। यहाँ पे अगर आपके पास में इन्वेस्टमेंट कम है तो यहाँ पे जो है आप सेकेंड हैंड व्हीकल का भी जो है आप इनिशियली परचेस करके जो है आप उसमें फैब्रिकेशन करके जो है आप अपने फूड ट्रक का सेटअप कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आप ओल्ड कमर्शियल व्हीकल परचेस करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा वो मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ सबसे पहला जो ध्यान देने वाली बात यही है कि अगर आप कोई ओल्ड कमर्शियल व्हीकल परचेस करना चाहते हैं तो उसका प्रॉपर फिटनेस सर्टिफिकेट आपको चेक करना चाहिए, उसका आरसी सही है कि नहीं वो आप चेक करें, उसके बाद जो है उसका रोड टैक्स का पेमेंट है कि नहीं, इंश्योरेंस है कि नहीं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो भी आप ओल्ड कमर्शियल व्हीकल आप परचेस करना चाहते हैं उसका जो एज है वो 10 साल से कम का होना चाहिए, ये बात का आप खास ध्यान रखें। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि अगर आप अपने फूड ट्रक बिजनेस से इटालियन या कंटिनेंटल फूड अगर आप सर्व करना चाहते हैं तो उसके हिसाब से यहाँ पे जो है आपको कौन कौन से किचन का इक्विपमेंट जो है आपको लेना पड़ेगा। यहाँ पे सबसे पहला जो किचन इक्विपमेंट है इसमें जो है आपको माइक्रोवेव, जूसर, मिक्सर, रेफ्रिजरेटर लेना पड़ेगा, ग्रिलर हुआ, स्टीमर हुआ, वर्किंग टेबल हुआ, उसके बाद एक या दो बर्नर भी आपको वहां पे लेने पड़ेंगे, एग्जॉस्ट इक्विपमेंट हुआ, जनरेटर या बिग बैटरी विथ एन इन्वर्टर यहाँ पे जो है आपको लेने पड़ेंगे। यहाँ पे आप लोगों के मन में क्वेश्चन होगा कि मैंने यहाँ पे इन्वर्टर क्यों बोला। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोगों को जानकारी के लिए मैं बता दूँ कि अगर आप फूड ट्रक का बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे आपको रात में इलेक्ट्रिसिटी का भी रिक्वायरमेंट रहेगा। आप वहाँ पे जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है आप वैसे स्ट्रीट में कहाँ से लेके आएंगे, तो डेफिनेटली इसके लिए जो है आपको इन्वर्टर बैटरी रखना पड़ेगा या तो आप जनरेटर का सुविधा भी वहाँ पे उपलब्ध करा सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम लोग देखने वाले हैं कि यहाँ पे आपको अपने फूड ट्रक बिजनेस के लिए कौन कौन से लाइसेंस आपको लेने पड़ेंगे। यहाँ पे जो सबसे पहला लाइसेंस है आपको फायर सेफ्टी का सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, उसके बाद शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट लाइसेंस भी लेना पड़ेगा, आपको RTO से वहाँ पे NOC लेना पड़ेगा, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो है आपको वहाँ पे NOC लेने पड़ेंगे, देन उसके बाद जो है आपको फसाइल लाइसेंस भी वहाँ पे लेने पड़ेंगे, देन उसका जो है आपको अपना किचन का जो है इंश्योरेंस जो है आपको कवर करना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पे आपको फूड ट्रक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको टोटल इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ेगा। यहाँ पे जो सबसे पहला इन्वेस्टमेंट है, आप जो भी सेकंड हैंड कमर्शियल व्हीकल आप परचेस करेंगे तो उसके लिए जो है आपको इन्वेस्टमेंट 5 लाख रुपया आपको करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे 5 लाख रुपए कंसिडर किया है, ये डिपेंड आप पे करता है कि आपके एरिया में ओल्ड कमर्शियल व्हीकल का क्या प्राइस है, उसके हिसाब से यहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट लगने वाला है। उसके बाद जो है आप जो भी कमर्शियल व्हीकल आप परचेस करेंगे तो आपको उसके बैक साइड में आपको किचन का फैब्रिकेशन करना पड़ेगा, तो उस फैब्रिकेशन का जो कॉस्ट है मैंने 1 से 1.5 लाख रुपये यहाँ पे कंसिडर किया है। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे किचन का इक्विपमेंट, चेयर टेबल, यानी कि जितने भी लोग वहाँ पे खाने के लिए आएगा तो उसके लिए तो आपको चेयर टेबल तो आपको कुछ देना पड़ेगा, तो उसमें भी जो है आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो है 2 लाख रुपये आपको करने पड़ेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको रॉ मटेरियल अपने फूड ट्रक बिजनेस के लिए 2 वीक के लिए आपको 30,000 रुपये जो है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद जो भी आप लाइसेंस अपने फूड ट्रक बिजनेस के लिए लेंगे तो उसके लिए जो है आपको 50,000 रुपये जो है आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का। देन उसके बाद आप जो भी मेनू अपने फूड ट्रक बिजनेस से सर्व करेंगे तो वहाँ पे मेनू डिस्प्ले करना पड़ेगा। उसके बाद जो भी आपके फूड ट्रक बिजनेस में स्टाफ वर्किंग करेंगे उसके लिए यूनिफॉर्म ड्रेस आपको लेना पड़ेगा, वाटर की फैसिलिटी वहाँ पे अवेलेबल कराने पड़ेंगे, आपको वहाँ पे 2 डस्टबिन आपको लेना पड़ेगा। तो इसके लिए टोटल जो इन्वेस्टमेंट है
मैंने 10,000 रुपीज़ जो है मैंने कंसिडर किया है। आप ये सारे इन्वेस्टमेंट को कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट है अप्रॉक्स 9 लाख रुपये आने वाला है। तो आप 9 लाख के इन्वेस्टमेंट में जो है आप फूड ट्रक का बिजनेस जो है आप स्टार्ट करके आप महीने का अच्छा खासा आप कमा सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि आपको कितने नंबर ऑफ मैन पावर जो है आपको अपने फूड ट्रक बिजनेस में रखने पड़ेंगे। यहाँ पे अगर हम लोग मैन पावर की बात करें तो यहाँ पे आप स्टार्टिंग में जो है एक सेफ आप स्टार्टिंग में रख सकते हैं। जैसे जैसे आपका बिजनेस ग्रो करेगा उसके हिसाब से आप नंबर ऑफ शेफ जो है आप बढ़ा सकते हैं। उसके बाद जो है आपको एक हेल्पर रखना पड़ेगा, देन उसके बाद आपको एक डिलीवरी बॉय यहाँ पे रखने पड़ेंगे। अगर आप होम डिलीवरी का सर्विस प्रोवाइड करेंगे तभी आपको यहाँ पे डिलीवरी बॉय का रखने का जरूरत है, इस बात का आप खास ध्यान रखें। फ्रेंड्स, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि अगर आप फूड ट्रक का बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपके फूड ट्रक से जो है मंथली कितना एक्सपेंडिचर आने वाला है ये मैंने पूरा कैलकुलेट करके दिखाया है। यहाँ पे देख रहे हैं जो पहला एक्सपेंडिचर है आपके फूड ट्रक में जो भी स्टाफ काम करेंगे उसका सैलरी देने में आ जाएगा। जैसे कि आप 1 नंबर ऑफ शेफ इनिशियली रखेंगे तो उसका जो सैलरी है 13,000 रुपये जो है आपको देना पड़ेगा। वर्कर का जो सैलरी है आपको 8,000 देना पड़ेगा और जो डिलीवरी बॉय है उसको 6,000 रुपये आपको देना पड़ेगा। अगर आप ये सारे सैलरी को काउंट करेंगे तो आपको यहाँ पे टोटल जो सैलरी है महीने में 27,000 रुपये जो है आपको लगने वाला है। उसके बाद जो है आपको रॉ मटेरियल में जो है महीने का 50,000 रुपये यहाँ पे आपको खर्च करने पड़ेंगे। यहाँ पे मैंने फ्लेक्सिबल लिख दिया है क्योंकि यहाँ पे रॉ मटेरियल का जो मैंने कॉस्ट कंसिडर किया ये डिपेंड करता है कि आपका फूड ट्रक का बिजनेस कैसा है उसी पे आपका रॉ मटेरियल का यहाँ पे एक्सपेंडिचर डिपेंड करेगा। उसके बाद जो है आपको वाटर और अदर मेसिलेंस जो चार्जेस है उसके लिए मैंने यहाँ पे 10,000 कंसिडर किया है। उसके बाद जो है आपको एडवर्टाइजिंग में जो है आपको 2,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। अगर आप ये सारे महीने का एक्सपेंडिचर को काउंट करेंगे तो आपका अप्रॉक्स जो एक्सपेंडिचर है महीने का 90,000 रुपये आने वाला है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि मैं अपने एरिया धनबाद के हिसाब से बता रहा हूं कि यहां पे जितने भी फूड ट्रक के बिजनेस है मैंने उनसे इंक्वायरी किया तो उनका जो एवरेज पर डे का जो अर्निंग है वो 8,000 रुपीज़ है। तो फ्रेंड्स, उससे आप कंसिडर कर सकते हैं कि आप महीने में कितना कमा सकते हैं। आप महीने का 2,50,000 रुपये अप्रॉक्स जो है आप कमा सकते हैं। तो यहाँ पे जो है आपको देखना है कि आप अपने फूड ट्रक का बिजनेस को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। उसके लिए आपको प्रॉपर मार्केटिंग करना पड़ेगा और उसके लिए जो है आपको प्रॉपर कस्टमर को अप्रोच करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ में जो है आपको खुद से मेहनत करना पड़ेगा। तो अब हम लोग देखेंगे कि आप अपने फूड ट्रक का मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं ताकि आपके फूड ट्रक का बिजनेस जो है वो इंक्रीज कर सके। यहाँ पे सबसे पहला जो मार्केटिंग है, जितने भी इवेंट प्लानर है आपके एरिया के उससे आपको टाइप करने पड़ेंगे। बहुत सारे पर्सनल कॉन्टैक्ट भी होंगे कस्टमर के, उससे भी जो है आपको टाइप करने पड़ेंगे। देन उसके बाद जितने भी कॉर्पोरेट हाउस में काम करने वाले, जैसे कि बहुत सारे कंपनीज होती है वहाँ पे जो है फूड का काफ़ी ज़्यादा डिमांड होता है, तो वैसे जगह पर भी जो है आपको अप्रोच करना चाहिए। उसके बाद जो है आपको पैम्पलेट्स हुआ, उसके बाद जितने भी सोशल मीडिया एडवर्टीजमेंट आप कर सके वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स हो सकते हैं। जैसे कि लोकल फेसबुक ग्रुप हुआ या इंस्टाग्राम हुआ या व्हाट्सअप ग्रुप कोई आप क्रिएट करके जो है आप उसमें भी जो है अपना एडवर्टाइज कर सकते हैं। आप लोकल न्यूज़पेपर में जो है आप अपने फूड ट्रक बिजनेस का जो है आप प्रमोट कर सकते हैं। देन उसको जो है आपको बहुत सारे ऑनलाइन डिलीवरी पार्टनर से भी जो है आपको टाइप करना पड़ेगा, जैसे कि स्विगी हुआ, जोमेटो हुआ, उबर फूड्स हुआ, ऐसे और भी बहुत सारे ऑनलाइन डिलीवरी पार्टनर है जिसके थ्रू आप टाइप करके जो है आप जो है अपने फूड ट्रक बिजनेस का जो है आप सेल्स को जो है इंक्रीज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूं कि यहां पे आपको पूरा जानकारी मिल गया होगा कि अगर आप फूड ट्रक का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे। अगर आप लोगों के मन में कोई भी क्वेश्चन हो फूड ट्रक बिजनेस को लेके तो फ्रेंड्स आप लोग मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं और आप लोग जो है हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट करने के लिए फ्रेंड्स आपको जो है www.ymvaluesolution.com पे आपको विजिट करना पड़ेगा। आप इस वेबसाइट पे विजिट करके जो है आप लोग मुझसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड, वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूले ताकि फ्रेंड जिन लोगों को नहीं पता है कि वो फूड ट्रक का बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सके उन लोगों को जानकारी हो सके। बस आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।